हाल ही में आई द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत ऑस्ट्रेलिया का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री बनने वाला है। आज के समय में भारत ऑस्ट्रेलिया का सातवां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दो देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए योजनाएं होती हैं। वहां पर ऑस्ट्रेलिया सरकार अब तक का सबसे बड़ा एकल प्रोत्साहन देने वाली है भारत को। जहां पर ताजा रिपोर्ट के मुताबिक माने तो ऑस्ट्रेलिया भारत में 1,500 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। जहां पर ऑस्ट्रेलिया की भारत आर्थिक रणनीति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए ये एक दीर्घकालीन निवेश होने वाला है, जो अगले 5 वर्ष की योजना के तर्क पर तैयार किया गया है। होने वाला इस निवेश से टेक्नोलॉजी, स्पेस, क्रिटिकल मिनरल्स, स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड पीपल टू पीपल लिंक बूस्ट कॉर्पोरेशन विद इंडिया, इन सभी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं इस स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रिलेशनशिप के द्वारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 600 से भी ज्यादा बिजनेस एंड कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करने वाले हैं भारत में। जहां पर रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की ये उम्मीद है कि वो 2035 तक भारत को अपना तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री बनाने वाली है। जहां आज के समय में भारत सातवें स्थान पर है, जहां 2020 में व्यापार जो किया गया था 24.3 यानी 24.3 बिलियन US डॉलर का भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया गया था। यहां पर ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, भारत ने कई देशों से बड़ी डील की हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। और भारत के अंदर जिस लेवल पर रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है, लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाना शुरू कर दिया है, ऐसे में भारत के अंदर लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है। यहां पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा लिथियम प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है और भारत को लिथियम की सबसे ज्यादा जरूरत है। सो ऑस्ट्रेलिया का ये निवेश भारत की लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत बड़ी मदद करने वाला है। वहीं कुछ समय पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एक डील की गई थी, वो एक ट्रेड डील थी, और वहां पर भी भारत में लिथियम और निकल को इंपोर्ट करने के लिए कुछ एग्रीमेंट्स को साइन किया गया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया न सिर्फ लिथियम बल्कि टेक्नोलॉजी और स्पेस में भी भारत की कई बड़ी मदद करने वाला है, और ऑस्ट्रेलिया सरकार की तरफ से भारत के लिए ये सबसे बड़ा एकल प्रोत्साहन होने वाला है। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत की इस बड़ी डील के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।